हेलो दोस्तों, वेलकम टू अन्नू जी के ट्यूटोरियल। आज हम सिंधु सभ्यता के टॉप 21-30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 सिंधु सभ्यता का नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपके सिंधु सभ्यता के सभी क्वेश्चन सिक्वेंस में लर्न हो जाए। सो दोस्तों, अब से जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगी, उन सभी का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि सभी क्वेश्चन आपके वीडियो में ही लर्न हो जाए। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करें, जिससे कि आने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँच सके। सो आज का हमारा जो 21st क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। इसका जो राइट आंसर है वो है धौलावीरा। क्वेश्चन 22, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। इसका राइट आंसर है चेनाब। क्वेश्चन 23, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। इसका जो राइट आंसर है वो है सतलज। क्वेश्चन 24, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो है लाल। क्वेश्चन 25, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। इसका राइट आंसर है अंत ऐतिहासिक काल, प्रो हिस्टोरिकल पीरियड। क्वेश्चन 26, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन 27, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, उनका नाम है दयाराम सानी एवं राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन 28, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। इसका राइट आंसर है सौराष्ट्र में। क्वेश्चन 29 में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। इसका राइट आंसर है विशाल अन्नागार ए धान्य कोठार। क्वेश्चन 30, हड़प्पा कालीन लोगों में नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई है। इसका राइट आंसर है ग्रिड पद्धति। सो दोस्तों, मिलते हैं सिंधु सभ्यता के नेक्स्ट